क्या आपको दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली औरत की हाइट पता है? या फिर ये कि प्लेन चलाने वाला पायलट अपने कॉकपिट पे अपने साथ एक कुल्हाड़ी क्यों रखता है? तो इन्हीं सब फैक्ट्स का आंसर जानने के लिए और साथ ही साथ ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों क्या ही बात, आप जानते हैं कि जब भी कोई एरोप्लेन उड़ान भरने जा रहा होता है तो पायलट अपने पास यानी कि प्लेन के कॉकपिट में एक कुल्हाड़ी रखता है। वो इसलिए क्योंकि अगर कभी कॉकपिट पर शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर प्लेन पर आग लग जाए तो वहां पर धुआं भरने लग जाता है। तब ऐसी सिचुएशंस में फ्लाइट का जो डोर होता है वो लॉक हो जाता है और उसी लॉक डोर को ओपन करने के लिए ये कुल्हाड़ी यूज आती है ना, काफी अमेजिंग। ये दोस्तों हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर कई कई महीनों तक धूप ही नहीं आती है ना, काफी हैरान कर देने वाली बात ये। और उस गांव में धूप लाने के लिए गांव वाले ना जाने कितने प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। उनमें से एक गांव है इटली का विजनेला गांव। दोस्तों इस गांव में 6-6 महीने तक धूप की रोशनी नहीं पहुंचती है और इसी वजह से इस गांव में रोशनी पहुंचाने के लिए पहाड़ों पर इस प्रकार के शीशे लगाए गए हैं कि सनलाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर गांव तक पहुंच सके। वाह है ना, काफी गजब। ये हमें दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी पॉसिबल है। अब मैं आपको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको हर वक्त अपने कान में फोन की वाइब्रेट होने की आवाज गूंजती हो और एक्चुअल में फोन वाइब्रेट हो ही नहीं रहा होता है, फिर भी आपको कोई ऐसी आवाज महसूस होती है? तो दोस्त आप फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के शिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी को बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा और मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में 90% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से ग्रसित हैं। यानी कि असल जिंदगी में फोन वाइब्रेट नहीं होता है, लेकिन अब हमारी फोन की लत इतनी हो गई है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों अब इस तस्वीर में बैठे हुए इस आदमी को देखिए, इसके शरीर पर कैसा अजीबोगरीब निशान पड़ा हुआ है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या निशान है। तो दोस्तों इन मार्क्स को लाइटनिंग ट्री मार्क्स के नाम से भी जाना जाता है और ये निशान मोस्टली उन लोगों में पाया जाता है जो इंसान बिजली की चपेट पर आ जाते हैं और उनके ऊपर ये पेड़ जैसा कुछ निशान बन जाता है। क्या आपको इस मार्क के बारे में पता था? अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या कभी आपने ऐसा सुना या देखा है कोई भी इंसान बिगर सांस लिए जिंदा हो? यकीनन बिल्कुल नहीं देखा होगा। और अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते हुए तो यह भी संभव है तो आप क्या कहेंगे? वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन से भरे हुए माइक्रो पार्टिकल्स की खोज की है। माइक्रो पार्टिकल्स को इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमन बॉडी के नसों में डाला जा सकता है जिसकी वजह से इंसान बिगर सांस लिए भी रह सकता है ना, काफी कमाल की टेक्निक है। अब मैं आपको वजन यानी वेट से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारे चांद पर हमारे पृथ्वी के कंपैरिजन 1/6 ज्यादा गुना ग्रेविटी फोर्स होती है और अगर बात सूर्य की करें तो वहां पर 24 गुना ज्यादा ग्रेविटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी का वजन 60 किलो है तो वह आदमी चंद्रमा पर 10 किलो का होगा और वही आदमी सूर्य पर 1680 kg यानी 1680 किलो का होगा, है ना, काफी हैरान कर देने वाली बात ये। क्या आप जानते हैं जो एसिड हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो इतना खतरनाक होता है कि वो एसिड अगर आपकी स्किन पर एक बूंद भी गिर जाए तो वह आपकी स्किन को जला भी सकता है और इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसी एसिड की वजह से ही हम इतने हार्ड हार्ड फूड भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। सोचो आप कितना खतरनाक एसिड है कि इसकी एक बूंद ही एक इंसान की स्किन को पूरी तरह जला सकती है। दोस्तों अगर आप किसी चिंता या परेशानी में हैं और इस वजह से आपकी नींद उड़ी हुई है तो अब मैं आपको एक रामबाण इलाज बता देता हूँ। दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सो नहीं पा रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम को पेपर पर लिख लीजिए और फिर उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। 10 मिनट के अंदर ही दोस्तों आप बहुत अच्छा फील करोगे और आपको काफी अच्छी नींद आएगी। दोस्तों ये पर्सनली मैं भी ट्राई करता हूँ और आप भी ट्राई जरूर करिएगा और इसके बाद आपने क्या फील किया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ जहाँ पर खाना कोई इंसान नहीं बल्कि 2 रोबोट परोसते हैं और ये रोबोट भारत में ही बनाए गए हैं जिनका नाम चंपा और चमेली है और ये रेस्टोरेंट ओडिशा के भुवनेश्वर में है और इस रेस्टोरेंट के मालिक जीत वासवा का ये कहना है इस रोबोट थीम रेस्टोरेंट का आइडिया उन्होंने अमेरिकन रोबोट रेस्टोरेंट से लिया है। दोस्तों अब आप इनसे मिलिए, ये है रशिया की फेमस बास्केटबॉल प्लेयर और ये कोई नॉर्मल बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है पर इनकी टांगे दुनिया की सबसे लंबी टांगे हैं। जी हाँ दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली महिला है और इनका नाम ये कैटरीना लिजीना है
और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बास्केटबॉल से ही की थी और फिर बाद में ये मॉडलिंग की दुनिया में आ गई। महज इनके टांगों की वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी हाइट करीबन 6'9" की है और जिसमें से इनकी टांगे ही सिर्फ 4.3" की हैं। है ना काफी गजब ये। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट का एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। थैंक यू।